अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फन कार रिएक्शंस। तो यूट्यूब पर और ट्रेंडिंग में और आजकल जो भी ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर, हर जो भी सोशल नेटवर्क साइट है उस पर ये ट्रेंडिंग पे जा रहा है वाकया। तो वाकया आयशा अकरम का वाकया, हाँ, इसमें हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी आपकी तरफ से काफी ज्यादा प्यारो मोहब्बत मिला और दोस्तों का इसरार था कि यार इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी। इकरारुल हसन जो कि बहुत ही मशहूर और बहुत ही सोशल वेलफेयर और सामाजिक कारकुन थे, हमने उनको भी रोस्ट किया और यासर शमी को भी रोस्ट किया, रिएक्शन दिया। तो उसको आप जरूर चेक करें और जाकर आप उस वीडियो का लिंक जो है ना हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और आज जिस बंदे के ऊपर इस वीडियो का आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, हमें वैसी स्माइल आ गई। तो और इस बंदे की यार पहली बात तो ये कि बोला रिकॉर्ड है, आपकी बातें चलें थोड़ी सी कड़वी होती है लेकिन यार होती सच पे मबनी है। हम आपके जाती और ये वैसे तो इनका भी स्टार्ट बहुत ही गलत है। बिल्कुल, हम वही कहने लगा था, वही कहने लगा था कि आपका जो पास्ट है हम उसके बिल्कुल जो है ना जितना हमें इनका बस पता है, लेकिन इनकी जो हम गेमिंग खेलते हैं तो उसमें भी हम इनके बड़े वर्ड सुनते हैं मजाया, लेकिन ये ज्यादा मजाक में ही रहते हैं। तो और मजाक में इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये मजाक के अंदर ही अपनी जेन्युइन और रियलिटी वाली बातें करते हैं। तो अब बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, क्योंकि बोला रिकॉर्ड की आज वीडियो है, उन्होंने आयशा अकरम पर और इज्जत अफजाई की हुई है, और जब इज्जत अफजाई की है उसके आगे लिखा हुआ है ना रोज द टू, और बात भी पूरी नहीं की रोज द टू। तो चलते हैं वीडियो के जाल में। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो के मतलब कोई भी नेगेटिविटी है ना, अगर पॉजिटिविटी नजर आए तो हमारे वीडियो को कमेंट लाजमी किया करें। चलते हैं आप वीडियो के रिएक्शन की जाने। शुरू में बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, बोला है कि यार हर बंदा आयशा अकरम ठीक है, वाकया हुआ बहुत ही बदतरीन वाकया, पाकिस्तान की हिस्ट्री का बदतरीन वाकया, जो कि बहुत ही बुरा और नेगेटिव जो भी मैसेज किया वर्ल्ड को। तो वो इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं इकरारुल हसन हर कोई इस चीज इकरारुल हसन की। हमने पिछली वीडियो में जो बात की आप जरूर चेक करें, हम इसमें दोहराएंगे नहीं उसको। उन्होंने ये बोला कि यार इकरार भाई आप उधर किधर हैं, कितने वो जो इकरारुल हसन भाई साहब भाई बात कर रहे थे, इकरारुल हसन ने वो जो काम वहां पे नहीं गए यार, कराची के अंदर वो 6 बंदे कत्ल हुए, वो जुल्म हुआ सारा कुछ, वहां पे क्यों नहीं गए? तो क्यों चीज वो क्या वो वहां पे जुल्म नहीं है? इनको ये जुल्म नजर आ रहा है यार, औरत की इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन यार कत्ल भी कहते हैं इस्लाम में है कि अगर किसी बंदे ने एक मुसलमान को कत्ल किया बल्कि एक फर्द को कत्ल किया पूरी इंसानियत। तो शुरू ही बात बहुत तो बहुत अच्छी यार। और चलते मैंने जो उनकी वीडियो देखी थी इकरारुल हसन की, उन्होंने शुरू में बात बहुत गलत की थी, उन्होंने शुरू में बात अच्छी की है। चले चलते हैं जी, एक्ट नहीं था कर रहा, देखते हैं आप आगे क्या करते हैं। ये हाथ पे भेजना पे तू तू आखरे मैं पाकिस्तानी शहरी हूं ते मनु अफसोस है, मनु अल्लाह ताला दी नहीं दी थी चंगा यार, अपनी गल नहीं करनी चाहिए, बड़े बोल ना बोल, अल्लाह ताला तनु इज्जत दी, बड़े बोल ना बोल, साहब तो जिल्लो मंतशा, ये अल्लाह ताला दी बड़े बड़े बादशाह जमीन दे डगे कुत्ते ने पानी को पानी पाने प्याले पंदा ए गल याद रख, बड़े बोल ना बोल, मजाक में कर रहे हैं लेकिन दो नंबर टैक्सी औरत दी हाथ है, तू अपना नाम पे खराब करना पे तू यासा शामी सस्ता चमचा जिनु कोई मैं तेन नेड़े भी ना पावा ओ सस्ता छापड़ है, इकरार हसन अपना नाम खराब ना कर, तेन पूरी दुनिया प्यार कर दी है, तू अजे झूठे ट्रेंड बना रहे ना कर, और रैम्बो भुखा जा बंदा है उनू की समझना, ओनू मैं नेड़े ना पाऊं तू पे बगे पाऊं, ज्यादा मेहनत की है अपना नाम खराब ना कर, हसन तू बहुत चंगा बंदा है, ए दो नंबर टैक्सी वाला सिरा ते हसन कौन, तेरे कराची तेरे शहर दे विच बंदे 6 जनाने बंदे मार गए ने, ओदा कौन जिम्मेदार है, ट्रेंड लाके चुके हो, ट्रेंड लाके चुके हो, आशा 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 ओ भैन तू मशहूर कर है मुफ्त दी भुखे घर दी कुड़ी, तू मुफ्त दा मशहूर कर है, टैक्सी औरत है सारी दुनिया दे मगर पई है, इकरार हसन सब तो वड्डी गल, इकरार हसन कहना कि मैं पाकिस्तान शहरी होंदा मैं नहीं आक रखदा, तो खुदा दा वासी जा तू जान छड़ जा जिथे होर मरी धक्के खा जाके, साडे पाकिस्तान दा नाम ना खराब कर, तू नहीं जाना ते मान कर असी वापस ननु ना। यार ये जो बात इन्होंने बीच में की है कि जहां किसी और मुल्क जा पाकिस्तान छड़ दे मरी धक्केगा, जम्मे मर जा ਸਾਡੇ ਮੁਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਬਾਤ ਵਹੀ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵਕਤਨ ਥਾਂ ਨੇ
यार इस बात से बिल्कुल मैंने हमने पिछली जो यार पिछली हमने जो वीडियो अपलोड की थी मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया था इस मामले में। मैं खुद एक बेटी का बाप हूं और यार कहते हैं जिस बंदे पे बिल्कुल और जिस बंदे पे अल्लाह ने रहमत नाजिल करनी होती है अल्लाह उसकी कुर्ब हासिल करता है ना, उसकी मोहब्बत करता है अल्लाह, उसको बेटी से नवाज देता है। और साहिब भाई आपको बताता चलूँ कि बेटी रहमत है और बेटा जो होता है ना वो आपसे जो है ना अमाल का हिसाब है। बेटी का आपसे अमाल का हिसाब सिर्फ तरबियत पे होगा लेकिन बेटे का आपका एक एक अमल पे आपका हिसाब होगा। तो यार इस मामले में तरबियत पे फ़र्क होता है। बाकी ये जो भी बात कर रहे हैं पहले तो नहीं, बाकी ये जो इन्होंने ये बात की बहुत ही अच्छी बहुत अच्छी बात की थी यार। दी अपने बयान वापस ले लै कि तनु रब ने तीन दी मेरी बदवाई अल्लाह ताला तनु नहत्ता रखे मेरी दुआई और लोग तीन पुत्र नु तरस दे रहे कि अल्लाह ताला अंदर से आवाज निकल रही है यार। सब तो पहले लोग दुनिया में पूरी दुनिया जितने बड़ी टोली है ना सब तो पहले लोग पूछ रहे हैं किन्ने तीन पुत्र नहीं। पहले लफ्ज धीर आंदा है जिंदगी दे विच सोच लै कभी अपने दिल दे विच तैया करके वेख लै कि पहले मैं पुत्र दा नाम लैना ना रब दी तरफ पूरी दुनिया दे विच कायनात इको कानून बन गया जेड़ा मर्दा बंदा विआह या वे नहीं विआह या हुण लोग पूछ रहे यार तेरे तीन पुत्र किन्ने ने कभी किसी ने कहा तेरे बच्चे ते धी कि नहीं है ना धी ये अल्लाह ताला ने ऐसा एक रहमत का फरिश्ता चीज बना खड़ी है कि जिदे घर होंदी अल्लाह ता रहमत का फरिश्ते दे ऐ धी इंसान दी इज्जत बनानी ऐ धी इंसान दी इज्जत डांदी है। तू ओ झूठी दो नंबर औरत ते सेहत ध्यान रखना हूं तू जुतियां पे खाने बाम नु मनु ते अफसोस होया तू ऐ जेड़ी गल की थी कि मैं पाकिस्तान शहरी आंदा कर उस बयान ते काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है बिल्कुल। और इतना फैन है हम उसके और मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा इवन हमारी ख्वाहिश है इधर ये बात जरूर कोड करूंगा ये इससे शायद फर्क पड़े ना पड़े मैं उनके लिए दुआ करता रहा हूँ। जब अल्हम्दुलिल्लाह करते थे अल्हम्दुलिल्लाह करते थप्पड़ पड़ते थे यार उनको नहीं थप्पड़ नहीं मैंने और प्रीवियस उनकी वीडियो जब वो एयर बाय पे उनकी शुरू में वो इन्हें थप्पड़ पड़े हैं उनको यार वो जब एक्सपोज करने जाते थे जिन्होंने जिनको भी उन्होंने और मैं उनके लिए इतना दुआ करते रहे उनकी जान की भी वैसे भी लेकिन उनके इस बयान से हम बिल्कुल बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं यार उनको बिल्कुल माफी मांगी। और ये जो वीडियो बना रहे हैं ना भोला रिकॉर्ड साहब ये कहते हैं कि एक रिएक्शन देते हैं रिएक्शन ही है, अंदर से आवाजें निकल रही हैं यार दूध के धुले हुए बिल्कुल नहीं है ये क्योंकि ये इनका इनका भी बहुत मजबूर है बिल्कुल लेकिन लेकिन यार कोई भी बात मैं वही कह रहा हूँ कि उधर लड़की के साथ जो भी हुआ बहुत ज्यादा बहुत बुरा हुआ यार लेकिन वो उसने वो जो करती थी या जो भी वो टिकटॉक पर जो करती रही है जो उसका भी आप ज्यादा बेहतर जानते हैं उस चीज को क्योंकि हम ज्यादा सोशल मीडिया को जानने वाले हैं। या खुदा दा वास्ते ही साडा मुल्क जान छाड़ दे मेरे तमाम दोस्तों मेरे भाओ इस बंदे नु वेखना छाड़ दियो एने जो कात है उथे आ जाओ ए लोकां नु तुसी लाइफ फॉलो फेम देंदे हो ते लोग इस काबिल होंदे ने और यासर शामी सस्ता चमचा पैसे लाके लोगों को वीडियो बनांदा है आज वो कहना पे मेरी बेटी मेरी हो किथे के गए कैसी वो को आया किथे गई छड़ दे पे जान ओदा भी नाल होना जे कैसी छह बंदे मर गए ने जेड़े रोज लोगों ने गरीब की बंदे शहीद हो रहे मर जांदे ओना दे घर तुसी जांदे कोनी जेड़ी फर्क जाने बिल्कुल एक बार क्लियर कर दे कमेंट्री देख ले यासर शामी ने कोई ऐसी बात नहीं यासर शामी सिर्फ और सिर्फ एंकरिंग कर रहा है एंकरिंग कर रहा है यासर ने सारे काम सही बात क्यों आवाम को खुदू लाए और एक लाइक फॉलो दी हाथ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦੂ ਲਾਏ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੁਆ ਏ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਕਿ ਯਾ ਮੋਲਾ 79 ਰਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਧੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਨਾ ਮੂਤਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜੇ ਧੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਮੂਤਰ ਇਹ ਜਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚ ਮੂਤਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਯਾਸਰ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਥਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਾਰ ਸਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਥ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਲਣਾ ਪਿਆ ਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਉਹ ਛਾਪਰ ਯਾਸਰ ਸ਼ਾਮੀ ਛਾਪਰ ਇਹੋ ਯਾਸਰ ਸ਼ਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਸਰ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਓਡੀ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਲੈਂਦਾ ਬਾਬਰਪੁਰ ਚ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਮਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਇਕਰਾਰ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਦੇ ਬਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ
यासर शामी शापर तू भी छाड़ दे, तुसी दोवे शापर हो, मैं तुहाडी बड़ी कदर करा। यासर शामी मतलब भी बंदा है, ऐ मतलब भी पुत्र है, ते मैं तेनू की समझा तू शापर है, शापर बस। बिल्कुल इन्होंने फनी फनी बातें भी की, यो इनका स्टाइल है, इनका एक स्टाइल है बात करने का, वर स्टाइल है बल्कि ये इन्होंने जो भी बोला वो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। और यासर शामी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है भाई सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा उन्होंने एक वो बोलते हैं कि मैंने समझ लें साइकिल से इतना कुछ ऑडी तक लिया और इधर से लिया है, इधर ऑडी भी और मोटी भी जो कह रहे हैं हम सही है। तो यार बिल्कुल हमारा रिएक्शन इन पे कुछ नहीं, इकरार हसन को जितनी भी इन्होंने बातें की वो बिल्कुल राइट पे बात की। तो और मैं जो बोला रिकॉर्ड पे अपनी जाती ओपिनियन देना चाहता हूँ कि बोला रिकॉर्ड ने यार जिस तरह हम अगर आपस में कम्युनिटी में बैठते हैं ना तो जब हम ऐसी बात करते हैं तो हमारे दिल से भी यही निकलती है कि अल्लाह तुम्हानू भी यह चीज़ है तो तुम्हानू में देखना नसीब होए, लेकिन बददुआ नहीं देनी चाहिए क्योंकि बददुआ हमारे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बददुआ नहीं दी तो हम क्यों बददुआ दें। तो यार तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे पैगाम को पहुँचाएँ। और एक बात जहन में रखना, औरत की इज्जत लाजमी है यार, सबसे बड़ा और सबसे अव्वलीन कदम आपका ये होना चाहिए कि औरत की इज्जत की हिफाजत करनी। और इसमें तो, बिल्कुल हम जो भी बीप कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि इन्होंने जो हमारी लैंग्वेज नहीं है गालियां दी हैं जो इन्होंने वो हम बीप करेंगे, वो आप भी मैं कहूँगा कि आप ना देखें जाके कोई भी वीडियो, तो क्योंकि इसमें उन्होंने बिल्कुल गालियाँ दी हैं उस लड़की को भी और यासर शामी और उनको भी, जो कि बिल्कुल नहीं देने चाहिए। ज़्यादा क्रिटिसाइज करें बाकी, अदरवाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के पॉजिटिव नेगेटिव के मतलब हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।